कुछ बोलिए। बस यही तो नहीं आता, कैमरा कैमरा ऑन नहीं है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमसे कितना भी ज्ञान पिलवा लो, कैमरा ऑन होने के बाद में दोस्त गांड फट जाती है, सोचते हैं क्या बोले। आज है 4 जून और मैं ले में हूँ। कल रात को हम ले पहुँचे और मैं सो गया, आई हैड डिनर एंड आई स्लेप्ट, बहुत टायर्ड था। सो अभी रेडियो है अपन, कुछ कुछ प्लेसेस हैं आज ले के इन एंड अराउंड, सो विल विजिट दैट एंड देन वी विल प्रोबेबली कम बैक टू द होटल। सो ले में एक्चुअली ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि वी हैव टू स्टे फॉर 2 डेज आफ्टर एंटरिंग ले। So for that we will stay here till 5th and 6th morning ko we will start from Leh. So 2 din abhi Leh mein ghoomna hai aur aaj ka din shuru karte hain. Bahut acha. So aaiye shuru karte hain. तो लेह में आपको मिलेगा इनलाइन लो मोटर जो कि KTM के एक्सपर्ट्स हैं, और भी बाइक्स में ये स्पेशलाइज करते हैं, स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड में। दे गिव मी ए प्रिटी गुड सर्विस और मेरी बाइक को मच नीडेड सर्विस की ज़रूरत थी, क्योंकि बैंगलोर से चलने के बाद एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिला था बाइक को, और कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रेचेस खींचे थे हमने। तो एन इंजन ऑयल, चेन लुब्रिकेशन एंड अ सर्विस वॉज ड्यू। इसके बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन था आज का हॉल ऑफ फेम, जो कि हमारे वॉर हीरोज़ जो हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन एयर फोर्स के और इंडियन नेवी के, स्पेसिफिकली जो कारगिल के टाइम पे और जो बाकी पाकिस्तान और चाइना के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं हमारे, उनके ट्रिब्यूट के तौर पे ये जगह बनाई गई है, ये जगह एस्टैब्लिश की गई है। यहाँ पे डेफिनेटली वीडियो जो है वो शूट करना अलाउड नहीं है। सो गाइस, वी आर हियर एट द हॉल ऑफ फेम लद्दाख। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे इंडियन आर्मी सिर्फ वॉर के लिए ही नहीं बल्कि सोशल और पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए भी लेह लद्दाख एरिया में काफ़ी फेमस है, और उसकी भी एक झलक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे लोकलाइट्स के साथ मिल के इस जगह को इंडियन आर्मी ने डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो लिटरेसी बढ़ी है यहाँ पे, वो सब कुछ। ये है हॉल ऑफ फेम के बाहर का सीन, पीछे का सीन, और अभी हमें अंदर में हमारे गाइड थे, आर्मी के ही पर्सनल थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। और मैंने अंदर शूटिंग नहीं की, अलाउड है शूटिंग, कुछ एरियाज में अलाउड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया में आप फोटोज़ बना सकते हो, वीडियोज़ भी बना सकते हो। और हॉल ऑफ फेम देखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो एक छोटा सा सरप्राइज था, ये ये आर्टिलरी गन्स हैं जो कि बहुत सारे वॉर्स में यूज़ हुई हैं। और इसके बाद अब मैं निकल गया नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था लेह पैलेस, जिसमें अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर तक ही मैं जहाँ तक शूट कर सकता था वहाँ तक किया। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी नामग्याल सेमो मोनेस्ट्री, जो कि बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी हाइट पे, तो आपके पास अगर बाइक या कार है तो आप इजली यहाँ पहुँच सकते हो, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, बट थोड़ा सा घाट सेक्शंस हैं जिसमें आपको चलाने में मज़ा भी आएगा, बट ओवरऑल वाइब बहुत ज़बरदस्त थी। भगवान बुद्ध की यहाँ पे मॉनेस्ट्री है, तो आप जाओ उनका आशीर्वाद लो। हियर एट नामग्याल सेमो एंड हमने आज सुबह से 3-4 जगह कवर कर लिए। सबसे पहले हम गए हॉल ऑफ फेम, उसके बाद बाइक का काम कराया, और अब उसके बाद फिर ले पैलेस, और अब नामग्याल सेमो, और आज का आखिरी पॉइंट जो है जो हमें कवर करना है वो है शांति स्तूपा। तो अब हम वहाँ से शांति स्तूपा की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक शांति स्तूपा यहाँ से कुछ 5 से 6 किलोमीटर दूर है, तो वो आज का लास्ट पॉइंट है,
और उसके बाद अपन वापस चल देंगे होटल को। काफ़ी खूबसूरत जगह है लेह भी, बहुत कुछ है देखने को। तो आज का इवेंटफुल डे रहा हमारा, डे वन इन लेह। कल का डे टू है, उसके लिए भी बहुत कुछ प्लान्ड है। तो आप लोग देखते रहो और मज़े लेते रहो। हर एक डेस्टिनेशन के साथ साथ मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे कि उसकी डिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से और रेफरेंस पॉइंट से, और वहाँ पे एंट्री का क्या फीस है, और क्या वहाँ पे मतलब क्या वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, क्या रूल्स हैं, जो बेसिक वंस मुझे समझ में आए। सो ऑल दोज डिटेल्स आई एम मेंशनिंग ऑन द स्क्रीन, होप आप देख रहे होंगे और ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं ट्राई करूँगा आपके सवालों को जल्द से जल्द आंसर करने का। हम आ चुके हैं वापस अपने गेस्ट हाउस जहाँ पे हम रुके हैं, द लेलिंग गेस्ट हाउस। ये बाइक्स हमारी खड़ी हैं और चलते हैं अपने रूम में। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, और कल का दिन भी स्पेशल होने वाला है। आई थिंक एक चीज़ आज जो हमने प्लान की थी वो रह गई, दैट वाज शांति स्तूपा। तो विल कवर इट टुमारो एंड अलॉन्ग विद द अदर प्लेसेस एज वेल। So stay tuned. Till then, this is your friend Amrit, signing off from Godspeed Traveler. Bye-bye.